हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 5 मिनट शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये हमारा क्विज शो है। 5 मिनट शो इसका नाम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये 5 मिनट का, 5 मिनट के शो से रिलेटेड है ये, इसलिए इसका नाम 5 मिनट शो। बच्चे इसमें क्विज के आधारित हम जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होंगी यहाँ पे जो आपने नॉर्मल 5 मिनट शो में नहीं देखी होंगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्वेश्चन के हेल्प से ही समझी जा सकती है, इससे ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, यूएस मिलिट्री ने एक लॉन्च किया है सीक्रेटिव स्पेस प्लान, ठीक है। इसमें क्या है कि इसको डेडिकेट किया है COVID-19 के लिए। ऐसा पहला कोई अंतरिक्ष प्लान है जिसको COVID-19 को डेडिकेशन मिला है, और COVID-19 को भी नहीं, उसके विक्टिम्स को डेडिकेशन मिला है। तो बच्चे इस प्लेन का नाम क्या है, इस प्लेन का नाम है बच्चों X-37B। और इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये अनमैन्ड मिशन है, और इसको जो लॉन्च किया गया है वो किस रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया है, Atlas V की हेल्प से। और ये Atlas V जो रॉकेट है ये दो कंपनीज के जॉइंटली वेंचर से बना है, एक तो बोइंग और लॉकहीड। तो आपको ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, नेम ऑफ प्लेन, Atlas V एंड द जॉइंट वेंचर ऑफ बोइंग एंड लॉकहीड। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनरल अटलांटिक ने कितने परसेंटेज एक्वायर किया है रिलायंस जियो के अंदर, ठीक है। जनरल अटलांटिक एक्वायर्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ शेयर्स इन रिलायंस जियो। तो बच्चे इसका है 1.34%। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि फेसबुक ने भी 9.9% जो 5.7 बिलियन के अंदर इसके शेयर्स एक्वायर किए हैं। इसके अलावा भी डील चल रही है। ये जो डील थी आपकी जनरल अटलांटिक की वो फोर्थ डील थी, ठीक है। इससे पहले 3 डील और हो चुकी है जिसमें एक फेसबुक है, 2 और डील्स हैं। आप मुझे बताइएगा वो 2 और डील कौन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, जैक मा बहुत ही प्रोमिनेंट इन्वेस्टर और प्रोमिनेंट कहते हैं बिजनेस टाइकून है, ये चाइना के सबसे रिचेस्ट मैन है, ठीक है, जैक मा। और ये जो जैक मा है और क्या है ये आपको बता देता हूँ। ये जैक मा जो आपका अलीबाबा नाम की कंपनी है, ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन वेंचर है, तो उसके को फाउंडर रह चुके हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी रह चुके हैं। इनको रिसेंटली इन्होंने उसके पद से इस्तीफा दे दिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी हट गए थे। क्यों हट गए थे, क्योंकि ये फिलंथ्रोपी में आना चाह रहे थे, जनसेवा करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये सॉफ्ट बैंक ग्रुप जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अपना स्थान बनाए हुए थे, बट कुछ एक ऐसा लॉस हुआ अभी सॉफ्ट बैंक को, तो उसके कारण इन्होंने अपना ये पद छोड़ने की बात कही है, और 25 तारीख को ये अपना पद वहां पे छोड़ देंगे। तो कितना लॉस हुआ बच्चे, वो $18 बिलियन का यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। अगर टोटल लॉस की बात करें तो 13 बिलियन है, बट इस वेंचर की बात करें जो ये फंड था विजन फंड, इसमें कितना लॉस हुआ है, 18 बिलियन हुआ है। अब बच्चे ये लॉस हुआ क्यों है, क्योंकि बच्चों इन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था किसमें, उबर, ओयो और वी वर्क में, ठीक है। अब वी वर्क का मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि बच्चे वी वर्क ने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा। वी वर्क ने अपना आईपीओ प्लान लेके आई, ठीक है, आईपीओ प्लान इसका फेल हो गया तो इसकी नेटवर्थ जो है वो बहुत गिर गई, ठीक है। इसके बाद में सॉफ्ट बैंक ने इसको बैकअप किया, ठीक है, बट इसकी वैल्यूएशन गिरती गई। और अभी इसने क्या किया, वी वर्क का जो ओनर है उन्होंने सू किया है सॉफ्ट बैंक को कि उन्होंने 3 बिलियन का इनको हेल्प नहीं दिया जो कि इन्होंने प्रॉमिस किया था, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट थे ये फेल हो गए, इस कारण जैक मा इसको रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है वो कितना पैसा देगा फाइनेंशियल असिस्टेंट को अगर एम्प्लॉई स्कम्बल्स टू कोविड कोरोना, ठीक है, अगर कोरोना के कारण अगर वो परेशान होता है, वो कुछ हो जाता है उसको, तो कितना उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, 50 लाख मिलेगा उसके जो लीगल हेयर है। लीगल हेयर का मतलब जो उसका लीगल यानी कि लीगल वारिस है, हेयर का मतलब वारिस है, उसको मिलेगा पैसा, ठीक है। अब आता है कि कौन सी स्टेट ने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन इशू की है, हेल्पलाइन बनाई है जो कि लोगों की आरटीआई रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करेगी। बच्चे इसके अंदर आता है हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली। आप बताइए मुझे इसके अंदर कौन है। इसमें बच्चे आ रहा है ये जो हेल्पलाइन है वो आपकी पंजाब स्टेट ने लॉन्च की है। ये हेल्पलाइन का नंबर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बच्चे, पर ये याद रखना 100 लास्ट के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से स्टेट के ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई से, ठीक है, लॉन्च करने की बात कही है। तो ये जो है वो है छत्तीसगढ़।
क्लियर है बच्चों। अब इसके अंदर क्या बोला है कि ये स्कीम जो है 20 लाख फार्मर्स को डायरेक्टली हेल्प करेगी और इसमें 5100 करोड़ का प्रोविजन भी किया गया है। इसमें किसान के द्वारा जो पैदा की गई उपज है, जो खेती की गई मेज है, मक्का है, बाजरी, तो ये सब चीजें जो है ये गवर्नमेंट एक फिक्स प्राइस पे खरीदेगी। अगला देखते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। एक साइक्लोन आया है अम्फान, ठीक है। अम्फान क्या कर रहा है, AMPHAN, ठीक है, ये हिट करेगा कौन से इंडियन स्टेट्स को एज पर IMD। तो फिलहाल ये जो है ये घूम रहा है वेस्ट बंगाल के पास पास, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के पास पास घूम रहा है, ठीक है, और उसके अलावा ये बांग्लादेश के भी पास में आ चुका है। पर चेतावनी जो दी गई है वो अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दी गई है, ठीक है। वेस्ट बंगाल और ओडिशा में इसका ज्यादा इफेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ट्राइबल फैमिलीज हैं, इन्होंने पार्ट लिया है किसमें, शुभिक्षा केरलम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, तो बच्चे ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्पेडिंग फूड शॉर्टेज आफ्टर COVID-19 से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि जो COVID-19 के बाद में जो फूड शॉर्टेज आने वाली है तो उसको टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो काम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंडर में होगा। अब ये ट्राइबल फैमिलीज जो हैं ये क्या करने वाली हैं, इन्होंने 8 acres की लैंड जो है वो ली है गवर्नमेंट से और इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं और फार्मिंग कर रहे हैं, ताकि क्या है कि फूड की कमी ना हो आफ्टर COVID-19। तो ये जो लैंड है ये भी उपजाऊ लैंड नहीं है, इसको उपजाऊ बनाया जा रहा है इन ट्राइबल फैमिलीज के द्वारा, बहुत मेहनत की जा रही है बच्चे इनके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर बैंक है उसका MD जो है उसको किसे बनाया गया है, उनका नाम है जुबैर इकबाल। अगला क्वेश्चन आता है, अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, इसका हम देख चुके हैं कि COVID-19 के लिए वो फूड शॉर्टेज को ओवरकम करने वाले हैं। संजीवनी OPD जो है वो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, तो संजीवनी OPD है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। एक नई बुक आई है, रिलीज हुई है, जिसका नाम है फियर ऑफ गॉड। तो इनके ऑथर कौन है, इनके ऑथर हैं वधान। बच्चे आज के लिए इतना ही, आपने अच्छे से देखे टोटल 12 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ये बच्चे इनमें से सिर्फ एक जो क्वेश्चन था वो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, उसके अलावा 11 क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एक क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, स्टॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बनेगा बाद में, अभी सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी इसकी जरूरत थी। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है वैसे वैसे हम इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते जाते हैं, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर ये सारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अगर बच्चे ये पसंद आता है आपको तो हमारे चैनल को दोबारा से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि बच्चे आप देख तो ले रहे हैं, हर बार देख रहे हैं, रेगुलर आप ही देख रहे हैं, बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है बच्चे, अगर रोज नए नए बच्चे हमसे जुड़ते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमारा भी क्या होगा, मोटिवेशन होगा, हम ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल तैयार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल करंट अफेयर्स चल रहा है, इसके बाद में मैथ क्लासेस भी आएंगी, इंग्लिश की भी स्टार्ट होंगी, रीजनिंग की भी स्टार्ट होंगी, क्लास 10th का मैथ का चैप्टर आपको पता है मैं करवा ही रहा हूं आपको, ठीक है। कंप्यूटर क्लासेस भी आ ही रही है कोमल मैम के द्वारा, तो साइंस के लेक्चर्स भी आ रहे हैं, तो धीरे 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 सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप बस जुड़े रहिए और दोस्तों में हमारे प्लेटफॉर्म को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टेक केयर।